तिवारीपुर पुलिस ने डोमिनगढ़ बंधे के पास से अवैध पशु लदी पिकअप के साथ दो पशु तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तिवारीपुर थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान डोमिनगढ़ बंधे के पास एक पिकअप किनारे खड़ी हुई थी। संदेह होने पर उसकी जांच की गई तो पिकअप पर 7 पशु लदे हुए थे। जब इस संबंध में जानकारी की गई तो गाड़ी पर मौजूद ड्राइवर ब्रजेश कुमार गौड़ ने बताया कि उसरावा थाना गौरी बाजार जिला देवरिया निवासी जब्बार अली पुत्र स्वर्गीय झीनक का यह जानवर है। पुलिस ने जब झीनक को गिरफ्तार किया और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि इन जानवरों को वह गौरी बाजार से गोरखपुर लाकर बेचने लाया है, जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह ने बताया कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, हेलो जी, अरे खड़े हाँ फिर चल रहा है सब ले रहा है पहले बार पारा है और ये प्रतिबंधित पशुओं के अंतर्गत नहीं है, फिर भी इनके साथ क्रूरता की जा रही थी। इसके संबंध में दो लोगों को पकड़ा गया है, अभी पंजीकृत किया गया है, इनकी गिरफ्तारी की गई। ये माल चोरी छिपे कुशीनगर भी ले जाते हैं और जहाँ भी लाइसेंसी बीचों खाने हैं वहाँ पहुँचाते हैं। ये सभी अन्य जिले से संबंधित हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई।